डैड्स व्हीकल। तुम सभी का पता नहीं पर मेरे पापा को अपनी गाड़ियों से बहुत ज्यादा प्यार है। मेरी गाड़ी को सिर्फ मैं ही साफ करूंगा, मेरी गाड़ी को और कोई हाथ ही नहीं लगाएगा। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम्हें मेरे अलावा और कोई छू नहीं सकता। बेबी पापा, वो सिर्फ एक कार है। हाँ तो तू अपना काम करना। ठीक है पापा। उनके पुराने टूटे हुए चेतक से लेकर अपनी नई चमचमाती गाड़ियों तक वो सबसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। संती, तुम सिर्फ मेरी हो, अब तुम्हें और मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तू फिर से आ गया। पिछले सीन में तो पिटा था, फिर पिटेगा क्या? ठीक है पापा, जा रहा हूँ। निकल। और जो लड़के मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं वो चीज को रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ये चीज जनरली मस्कुलिनिटी के अंदर होती है। उतर के मेरी बाइक से। बुढ़ापे में भी स्पोर्ट्स बाइक चलाओगे क्या? बुढ़ापा, पागल हो गया। क्योंकि ज्यादातर मर्दों को अपनी गाड़ी और दूसरे की घरवाली से बहुत प्यार होता है। रामजादे, ये सब चीजें और सिखा दे इन्हें, खुद तो बिगड़ा हुआ है ही, सबको और बिगाड़ दे। गाइस, लड़की की बात बाद में करेंगे। ठीक है मम्मी, मैं ना बताता हूँ कि सिग्मा मेल कैसे बनते हैं। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं बनने तो तुम सिग्मा मेल बनके अपनी इज्जत बचा सकते हो। जब कभी तुम पापा का व्हीकल चुपचाप ले जाओ। हम सब कभी ना कभी अपने पापा का व्हीकल चुपचाप चुरा कर जरूर ले गए होंगे, पर मेरे घर में जब मैं ऐसा करता हूँ, जितनी देर में लेट होता हूँ, वो लोग इसी हिसाब से अजीबोगरीब असम्पशंस लगाना करते हैं। अगर मैं आधा घंटा लेट होता हूँ तो पक्का किसी लड़की के साथ बाजी कर रहा होगा। मैं तुम सभी का पापा हूँ क्योंकि गाड़ी लेकर मैं आया हूँ और तुम सभी मेरे बेटे। ठीक है? ठीक है पापा जी। चलो गाड़ी में बैठो। पापा जी, मुझे खट्टी टॉफी खानी है, मेरे को खट्टी टॉफी दिलवा देना। ठीक है बेटा, तो परेशान क्यों रहा, चलो। और अगर मैं एक घंटा लेट होता हूँ तो इसने पक्का गाड़ी ठोक दी होगी, इसलिए अभी तक नहीं आया। और अगर मैं डेढ़ घंटा लेट हो जाता हूँ तो बस। हेलो इंस्पेक्टर साहब, मेरा लड़का पिछले डेढ़ घंटे से गायब है मेरी गाड़ी लेके। क्या मतलब 24 घंटे से पहले रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती? हेलो हेलो हेलो, सुने भी काट दिया लड़का, मेरी गाड़ी की काट रहा होगा, ये फोन काट रहा है। और अगर मैं गलती से 2 घंटे क्रॉस कर जाता हूँ तो फिर तो बस, अब तक तो मर गया होगा, अब जिंदा नहीं बचा होगा। मेरी गाड़ी की मार दी, कम से कम ये तो बता देता गाड़ी कहाँ पे है। और अगर तुम्हें भी यही सब चीजों का सामना करना पड़ता है तो तुम खुद को इस काबिल बना लो कि एक दिन तुम अपने पापा के सामने नई गाड़ी की चाबी लाकर कह सको तो पापा चलाओ। ट्रैफिक चालान एंड एक्सीडेंट। आई नो, इन दोनों वर्ड्स को सुनने के बाद तुम लोगों की बहुत ज्यादा फट जाती होगी, खासकर तब जब तुम्हारे पास तुम्हारे पापा का व्हीकल हो। अभी हाल ही की बात है, मैं और मेरा पनौती दोस्त मेरे पापा का एक्टिवा लेकर चले गए थे। इसकी भाड़ का यार भेंचो, बकरा फंस नहीं रहा, बिल्कुल सूखा पड़ा, क्या करूं यार। और पूरी सेफ्टी और सारे पेपर्स के साथ गए थे, जैसे कि मानो आज अगर कोई पुलिस वाला रोकेगा तो उसके मुंह पर देकर मारेंगे सारे पेपर्स। ले पकड़ो। मैं और मेरा दोस्त बहुत मजे से जा रहे थे, जैसे कि मानो आज ही अपनी एक्टिवा से कावासाकी निंजा वगैरह सबको पीछे छोड़ दे। सब कुछ अच्छा चल रहा होता और जैसे ही हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो वाह भाई, क्या फोटो है, टैक्स संबंधित। $20,000 का चालान। तो पापा का फोन आता है। इस रंडी बाज को कॉल मिलाता हूँ। ये पक्का इसी का काम होएगा। हेलो हेलो, ये 20,000 का चालान आया है, ये क्या चक्कर है?
अब 20,000 का नहीं होगा, 2,000 का होगा। आपने शायद गलत पढ़ लिया होगा। मेरे से गलती होगी पढ़ने में? सुन मादर, मैंने एक आखिरी गलती तब की थी जब तुझे पैदा किया था, और मैंने उसी दिन सोच लिया था कि आज के बाद गलती से भी गलती नहीं करूंगा। अच्छा तो बताना 10,00,000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं? बहन के आपसे जुबान लड़ाता है? नहीं पापा, मेरा मतलब था मैं अभी चेक करके बताता हूँ। अभी बता, 5 मिनट में। और उसके बाद में जैसे ही मैं चेक करने बैठता हूँ तो पता चलता है वो चालान वाकई में 20,000 रुपए का था। और उसके बाद में मेरा मन करता है कि मैं घर छोड़कर चला जाऊंगा और बाइक को किसी समुंदर में फेंक दूंगा। रुक, अबे निकाल दे, तेरे पास क्या क्या है? अबे ये क्या है? ये मैं घर छोड़ के जा रहा था ना, तो ये खाने के लिए ले जा रहा था। बट फिर मेरा दिमाग मुझे समझाता है कि नहीं, ये सिर्फ एक छोटा सा चैलेंज है, और अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई, तो वो मैं कैसे मिस कर सकता हूँ। तो उस रात को यही सब हुआ था। लेकिन तेरी शक्ल तो गाड़ी से ना मिले है भाई। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया, मैं लड़ूंगा और अपने पॉइंट अपने पापा के सामने रखूंगा। अब तू अपने पॉइंट अपने पापा के सामने रखेगा? हाँ। और सीने में सांस भरेगा? अब एक काम कर, घर जा, और फिर मैं अपने सीने में सांस भरकर घर की ओर वापस चला जाता हूँ, इस उम्मीद से कि मेरे पापा मेरी बात सुनेंगे। यार अनुराग, तुझे क्या लगता है, पापा मेरी बात सुन तो लेंगे ना? अरे यार तू डर मत, मैं हूँ ना, मैं समझाऊंगा अंकल जी को। उस पुलिस वाले ने रिश्वत लेने के लिए ऐसा करा होगा, मैं हूँ ना, तो टेंशन क्यों ले रहा? ठीक है। अनुराग पापा, वो मेरी बात तो सुन लो। पापा, 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 पापा सुन के देखो। ऐसा सब कुछ हो सकता था, पर मैंने गालियां सुनकर पापा के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया और चालान भरने का वादा किया, तब जाकर मैटर शांत हुआ था। अभी कुछ भी शांत नहीं हुआ है के। चालान भरेगा तू अभी? हाँ भर दूंगा ना। जवान लड़ाता है। पापा, पापा मेरे जवान टूट गई यार, अब नहीं करूंगा। कोई बात नहीं, अब भी टूटेगी। पापा मम्मी कहा है चुड़ैल? गाइस, अपने पापा का व्हीकल बहुत संभाल कर चलाना, खास करके अगर तुम्हारे पापा गाड़ियों को लेकर साइको की तरह बिहेव करते हो तो। साइको बोलते हैं रेंडी पास, अब तुझे पापा आपसे मिले, अब मैं बिहेवियर की बात कर रहा हूँ। फॉरगेट अबाउट माय बिहेवियर, लेट्स बीट योर एरर्स। I think that we've all had enough.